हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में मैं आपको इंडिया और इंटरनेशनल डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बताऊंगा। ये क्वेश्चंस 5 जुलाई के हैं और जल्दी हमारी और भी वीडियो आने वाली है। हमारी नई वीडियोस के अपडेट पाने के लिए स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपका पहला क्वेश्चन है, कोआला भालू को अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा प्रकृति संरक्षण के लिए अपनी लाल डेटा पुस्तक यानी रेड डेटा बुक में किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा अति संवेदनशील। कोआला भालू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला एक वृक्षों पर रहने वाला शाकाहारी प्राणी है जो पूर्वी और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के तटवर्ती क्षेत्रों में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2018 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई? तो इसमें आंसर आएगा राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप नई दिल्ली भारत में आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुलिस सेवाओं के लिए स्टाफ कॉलेज निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इसमें आंसर आएगा हैदराबाद में। हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में आईपीएस अधिकारी भर्ती का प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है। यह आईपीसी का स्टाफ कॉलेज भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया प्रशांत व्यापार समझौते का हिस्सा नहीं है? तो इसमें आंसर आएगा पाकिस्तान। एशिया प्रशांत व्यापार समझौते में 7 देश हैं जो हैं बांग्लादेश, चीन, भारत, लाओ पीडीआर, मंगोलिया, कोरिया गणराज्य और श्रीलंका, और पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया प्रशांत व्यापार समझौते का नाम 2 नवंबर 2005 को बदल दिया गया था। इससे पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? तो इसमें आंसर आएगा इससे पहले इसे बैंकॉक समझौते के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किसके लिए संबल योजना शुरू की है? तो इसमें आंसर आएगा मध्य प्रदेश सरकार ने मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए एक बिजली बिल छूट योजना और सब्सिडी वाली बिजली योजना संबल लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग और भौतिक विज्ञान अनुसंधान परिषद या इंजीनियरिंग और फिजिकल साइंसेज रिसर्च काउंसिल निम्नलिखित में से किस देश की एक शोध परिषद है? तो इसमें आंसर आएगा यूनाइटेड किंगडम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2018 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए जा रहे हैं? तो इसमें आंसर आएगा एशियन गेम्स इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की ओर से एशियन गेम्स 2018 के लिए कितने सदस्यों वाले भारतीय दल की घोषणा की गई है? तो इसमें आंसर आएगा 524 सदस्य वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस केंद्र शासित प्रदेश को कहा कि इसे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता? तो इसमें आंसर आएगा दिल्ली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा उरुग्वे के मेजर जनरल जोस एलाडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक को आरबीआई ने हाल ही में भारत में काम करने का लाइसेंस जारी किया है? तो इसमें आंसर आएगा बैंक ऑफ चाइना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 1 अगस्त 2018 से पहली से 9वीं कक्षा तक के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा को शामिल करने का फैसला लिया है? तो इसमें आंसर आएगा गोवा सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के शोधकर्ताओं ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल बनाया जो दिमाग का एफएमआरआई स्कैन देकर शख्स का बौद्धिक स्तर यानी उसका आईक्यू लेवल पता लगाएगा? तो इसमें आंसर आएगा अमेरिका ने। अगर आपसे एफएमआरआई की फुल फॉर्म पूछी जाए तो इसका मतलब है फंक्शनल मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग, और एफएमआरआई रक्त प्रवाह से जुड़े परिवर्तनों का पता लगाकर मस्तिष्क गतिविधि को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अलग अलग समय पर वायु प्रदूषण के कारणों का पता लगाने के लिए वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर साइंटिफिक
स्टडी करवाने का फैसला लिया है? तो इसमें आंसर आएगा दिल्ली सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने हाल ही में एक दूसरे की जेल में कैद नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया है? तो इसमें आंसर आएगा भारत और पाकिस्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा बेदिन कलम का संबंध किस राज्य से है? तो इसमें आंसर आएगा बेदिन कलम 4 दिवसीय मेघालय वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा विश्वास पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी के लिए न्यूनतम कार्यकाल कितने साल का होगा? तो इसमें आंसर आएगा 2 साल का। जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने पुलिस सुधारों से संबंधित दिशा निर्देश जारी करते हुए यह व्यवस्था दी कि नियुक्ति के बाद डीजीपी का कार्यकाल कम से कम 2 साल का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा पोलावरम परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसमें आंसर आएगा यह परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिजोरम केंद्र सरकार व किस राज्य सरकार ने मिलकर मिजोरम ब्रू डिस्प्लेस्ड पीपल्स फोरम से संबंधित त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें आंसर आएगा त्रिपुरा सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा पश्चिम बंगाल के लिए 735.53 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है? तो इसमें आंसर आएगा नाबार्ड द्वारा। नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने 2 सेंचुरी फर्स्ट एंड सेकंड नामक सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है, यह किस देश के सैटेलाइट है? तो इसमें आंसर आएगा यह ऑस्ट्रेलिया के सैटेलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो इसमें आंसर आएगा शिमला में। कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में से आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आपका पहला क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा दूध योजना निम्नलिखित राज्य में से कहाँ शुरू की गई? आपके ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 100 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आपके ऑप्शन है विराट कोहली, सुरेश रैना, शोएब मलिक, मोहम्मद हाफिज। और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने बैंकों के फंसे हुए कर्ज की समस्या से निपटने के लिए किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? ऑप्शन है प्रोजेक्ट सशक्त, प्रोजेक्ट लोन, प्रोजेक्ट कर्ज और इनमें से कोई नहीं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी जोन फॉर प्रिपरेशन ऑफ अपकमिंग एग्जाम्स, और सब्सक्राइब के साथ आप नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेसबुक लिंक नीचे दिया हुआ है, आप इस पर जाकर हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं ताकि हमारी वीडियोज आप तक फेसबुक के द्वारा भी पहुंच सके।